हेलो दोस्तों, इस ठंडी भरे मौसम में ठंडा ठंडा कूल कूल आप सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हैं? तो स्वागत है आप सभी लोगों को फिर से एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, अभी सुबह के 6:30 हो रहा है और देख सकते हैं कितना बेजोड़ धुंध है, कोहरा है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ठंडा भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है दोस्तों, ठंडा भी लग रहा है काफ़ी। तो अभी मैं आ गया हूँ इधर घूमने टहलने सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। तो चलिए थोड़ा सा आगे से वॉक करके आते हैं, फिर उसके बाद में घर पर चलेंगे। धुंध काफ़ी है, देख सकते हैं। इस धुंध से जो है ना, धुनी रहता है तो गेहूं का, किसान लोग भाई का, यानी कि मैं भी तो थोड़ा छोटा मोटा किसान ही हूँ, तो गेहूं का फायदा करता है। देख सकते हैं गेहूं इस पर जो है ना पुसाता है बहुत मस्त, और इसमें गेहूं का उपज जो है ना और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गेहूं जो है ना ठंडी का ही चीज़ है, इसलिए दोस्तों गेहूं के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि धुंध है तो अच्छा है, और धूप रहता तो अच्छा बात नहीं रहता, क्योंकि धूप में अगर धूप रहेगा, गर्मी ज़्यादा रहेगा, तो फिर गेहूं का खेती सही नहीं होगा, उपज कम हो जाएगा। तो इसलिए गेहूं के लिए अच्छी बात है। अभी दोस्तों चलते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं आगे से टहल करके। दोस्तों अभी मैं दौड़ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों एक्सरसाइज थोड़ा सा किया हूँ और थोड़ा सा दौड़ लेते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज करे या ना करे, लेकिन अगर थोड़ा सा दौड़ भी लेते हैं सुबह सुबह, प्रतिदिन लगातार दौड़ते रहेंगे तो हेल्थ अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज करो या मत करो, लेकिन कम से कम प्रतिदिन 500 मीटर 1 किलोमीटर इतना प्रतिदिन अगर दौड़ लेते हैं ना, तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। 10-12 मिनट दौड़े हैं, थक गए इतना ही में, चलते हैं दोस्तों घर पे। दौड़ लेने के बाद जो है ना दूसरे टाइप का हो जाता है, यानी कि एक्टिव हो जाते हैं पूरी तरह से, पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है। थोड़ा सा एक्सरसाइज और दौड़ लेते हैं सुबह सुबह। तो चलिए प्रतिदिन होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों प्रतिदिन नहीं हो पाता है, कभी कभी जो ना काज होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार होगा तो और मज़ा आ जाएगा हेल्थ का, और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, जिससे काम में मन भी लगेगा। यानी कि सुबह सुबह जब एक्टिव हो जाएंगे ना, एक्सरसाइज करके या दौड़ करके या वॉक करके सुबह सुबह, तो जब सुबह एक्टिव हो जाएंगे तो पूरा दिन ही एक्टिव रहेगा आपका शरीर या आपका मन। तो चलिए चलते हैं घर पे। तो दोस्तों अभी घर आकर के भी माल वो सब सरिया लिए हैं, ऐसे थोड़ा सा ही था, लेकिन और टेढ़ा उढ़ा हो गया है, कैरेट वगैरह के भी नीचे ऊपर सब हो गया था, टी शर्ट सब छिटा गया था, उसको अच्छे से सबको सरिया लिए, झोला में का भी सब इधर उधर हो गया था, तो सब सरिया लिए। और अभी टाइम हो गया है 7:45। तो दोस्तों अभी स्नान में कर लिया, टाइम 7 हो गया है, और इस समय का व्यू देख सकते हैं, धूप भी आ गया है दोस्तों, तो कम धूप है, खूब टहकार धूप में नहीं है। तो अभी चलते हैं, स्नान तो हो ही गया, अब खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद माल लोड करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे फेरी में, लगभग 10 बजे से 9:15 हो रहा है अभी। चलते हैं फिलहाल खाना खाते हैं। तो दोस्तों माल लोड कर लेते हैं, कैरेट लोड हो गया, अब झोरा लोड करते हैं, झोरा भी रख लिए, अब गमछा लेकर आते हैं। तो दोस्तों गमछा भी लोड हो गया और कैरेट वेट सब अच्छे से लोड कर लिए, और चलते हैं अब। दोस्तों अभी टाइम 10:15 रहा है, और अभी मैं घर से निकल चुका हूँ, और देखते हैं आज कितना का सेल होता है, आज का दिनचर्या कैसा रहता है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल घूमते हैं, और इस समय का व्यू देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है। तो 1-2 गांव घूम करके अब फिर मिलते हैं, और फर्स्ट बोनी होने के बाद मिलते हैं दोस्तों। और बोनी भी अभी नहीं हुआ है, गांव में ही उधारी था तो टोके हैं, तो नहीं मिला है उधारी, नहीं मिला है, फर्स्ट बोनी में ही उधारी कैंसिल हो गया। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। फर्स्ट बोनी हो गया हमारा, 4 गो बंडी भी का है, बंडी टी शर्ट छोटे बच्चे का, तो 80 रुपये से बोनी हो गया। अब चलते हैं फिलहाल घूमते हैं। फाइनली दोस्तों ये वो गांव और घूम लिया, और इस गांव में 110 का सेलिंग हुआ है, कच्चा बंडी उंडी ये सब मिला करके, तो
तो चलिए अभी चलते हैं, फिलहाल घूमते हैं अगले गाँव में, और टाइम अभी 11:30 हो गया है। तो अगला गाँव कंसारा है, जो कि सीतामढ़ी जिला में ही पड़ता है। चलते हैं कंसारा गाँव घूम करके, फिर मिलते हैं। अभी जर्किन है दोस्तों, आराम से चलाना पड़ेगा। पहले दोस्तों कंसारा गाँव भी घूम लिया, और इस गाँव में लगभग 500 का सेल हुआ है। बंडे, गमछा उमछा, नाइट पैड, कुर्ती, एक छोटा सा 10 साल वाला, और कच्छा गंजी उंजी सब लेकर के, तकिया के खोलू, ये सारे कुछ मिला करके जो है ना 500 का सेल हुआ है। तो ठीक हुआ है सेल दोस्तों, इस तरह का सेल होना चाहिए। चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं, घूमते हैं अगला गाँव में। और अगला गाँव वो है नरकटिया। कल नरहा घूमा था, आज नरकटिया है। ये भी सीतामढ़ी जिला में ही पड़ता है। तो नरकटिया घूमते हैं, नरकटिया में देखते हैं सेल होता है कि नहीं होता है। नरकटिया घूमने के बाद फिर मिलते हैं। तो फाइनली नरकटिया गांव भी घूम लिया, और इस गांव में एक भी सेल नहीं हुआ है, थोड़ा भी बिक्री नहीं हुआ है। तो लगभग 4-5 को टोला है नरकटिया, लेकिन एक भी टोला में एक भी बिक्री नहीं हुआ है, कोई पूछा भी नहीं है। तो चलिए अभी दोस्तों फिलहाल चलते हैं, अगला गाँव मानी मंडल है, मानी मंडल चलते हैं, घूमते हैं। यहाँ पर दोस्तों रेलवे ट्रैक आ गया है, तो अब रेलवे क्रॉसिंग पार करना होगा। तो दोस्तों अभी महनी गाँव घूम रहा हूँ, आधा गाँव घूमा हुआ, आधा गाँव घूमने का है। और लगभग कितना 320 रुपये का सेल हुआ है, गमछा, लैगी, प्लाजो, कच्छा उच्छा लड़की छोट बच्ची सा का। तो अभी सेल 300 का हुआ है अभी। और गांव इसी में जो है ना, बहुत बड़ा गांव है मोहनी मंडल, तो 3 गोटोला घूमे हैं अभी, 3-4 गोटोला अभी घूमना है। मतलब कि आधा गांव घूमे हैं, आधा गांव घूमना है। देखते हैं आगे कितना का सेल होता है। और टाइम दोस्तों अभी हो गया है लगभग 2:30 बज रहा है, तो घूमते हैं पूरा गाँव घूम के फिर मिलते हैं। और दोस्तों प्रचार में जो है ना, ट्राउज़र बोलते हैं ना, ट्राउज़र का नाम हटाना, क्योंकि इतना धूप देख करके जो है ना, ट्राउज़र के नाम बोलने में अच्छा नहीं लगता है। तो ट्राउज़र हटा करके और उसके बदला में बंडी, टी शर्ट, पैंट बोलेंगे। तो देखते हैं बोल पाते हैं कि नहीं। अभी है लुंगी, गमछा लीजिए, लहंगी, कुर्ती, प्लाजो लीजिए, ट्राउज़र लीजिए, और उसको बदलाव करके करना है। लुंगी, गमछा लीजिए, लहंगी, कुर्ती, प्लाजो लीजिए, बंडी, टी शर्ट, पैंट लीजिए। थोड़ा लंबा हो जाता है, देखते हैं बोल पाता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं प्रचार को चेंज करके हो पाता है कि नहीं। गमछा लीजिए, लहंगी, कुर्ती, प्लाजो लीजिए, ट्राउजर लीजिए, लुंगी, गमछा लीजिए, लहंगी, कुर्ती, प्लाजो लीजिए, ट्राउजर लीजिए, लुंगी, गमछा लीजिए, लहंगी, कुर्ती, प्लाजो लीजिए, बंडी, टी शर्ट, पैंट लीजिए, लुंगी, गमछा लीजिए, लहंगी, कुर्ती, प्लाजो लीजिए, बंडी, टी शर्ट, पैंट लीजिए, लुंगी, गमछा लीजिए, बंडी, टी शर्ट, पैंट लीजिए, लहंगी, कुर्ती, प्लाजो लीजिए, लुंगी, गमछा लीजिए, लहंगी, कुर्ती, प्लाजो लीजिए, बंडी, टी शर्ट, पैंट लीजिए। अभी चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, वो अभी मसाही नहीं गए हैं, नाश्ता करके उसके बाद देखते हैं किधर जाना है, मसाही जा पाता है कि नहीं। आगे जो है ना दोस्तों, मोहनी हाल्ट है, छोटा सा हाल्ट है, यहीं पर दुकान उकान है, वहीं पर नाश्ता करते हैं दोस्तों। फैली नाश्ता कर लिया, यहीं पर दुकान उकान सब है, तो वहीं पर नाश्ता किए हैं। और चलते हैं दोस्तों ऊपर, थोड़ा सा घूमते हैं। छोटा सा ही हाल्ट है, सिंगल लाइन है, देखिए दिखाते हैं, सिंगल लाइन है। और आगे जो है ना रीगा सीतामढ़ी है, मतलब डबल ट्रैक में। और यहाँ पे जो है ना हाल्ट है छोटा सा, तो सिंगल ट्रैक ही है, देख सकते हैं जिस प्रकार का सीन है यहाँ का। इक्का दुक्का लोग यहाँ पे रहता है। रीगा यहाँ से भारी स्टेशन है, रीगा और ढेंग, तो ढेंग बैरगिनी, ढेंग बोलते हैं ढेंग, तो ये सब में जो है ना वहाँ पे ज़्यादा आदमी मिलता है, क्योंकि वहाँ पे डबल ट्रैक। तो चलिए अभी यहाँ पे हमारा लगा हुआ है गाड़ी, चलते हैं घूमते हैं अगले गांव की तरफ। टाइम अभी 4 बज गया है अभी। चलिए दोस्तों अब चलते हैं, ये मोहनी हाल्ट था, मोहनी हाल्ट। फिलहाल दोस्तों घूमते हैं अगले गाँव पर। इधर आया हुआ था घूमने, तो बिका है कितना, 2 टेप बिका है 40 रुपये का। और उस समय के बाद से जो है ना लगभग 2-3
गांव घूमे हैं, दो गांव और तीन टोला, लेकिन एक भी सेल नहीं हुआ था। यहाँ पे दो खाली टेप बिक्री हुआ है और 20 रुपया उधार ही मिला है बस। तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल अभी सीधे घर की तरफ, क्योंकि दोस्तों आज जो है ना सेलिंग बहुत कम हो रहा है। एक और बात दोस्तों, जिधर टेप जो बिका है, जिधर नहीं बिकने वाला था उधर बिका है, तो ये गलती कभी मत करिएगा कि पहले ही मतलब आकरार नहीं लगाइएगा कि इधर नहीं बिकेगा ये सामान तो इधर नहीं बिकेगा, क्योंकि दोस्तों जिधर नहीं बिकने वाला था उधर बिका है टेप। कपड़ा जो है ना वो नीच जाति के यानी कि छोटा जाति के पास बिकता है, लेकिन हमारा कपड़ा जो है ना जिधर नहीं बिकने वाला था उधर बिक्री हुआ है। तो चलिए ठीक है, और अभी इस समय जो है ना सेल बहुत कम हो रहा है, तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल अभी घर की तरफ। तो 180 का पेट्रोल डला लिए हैं और अभी चलते हैं दोस्तों। अभी टाइम अभी लगभग हो रहा है 5 बजने वाला है, तो चलते हैं सीधे घर की तरफ। देव गाँव घूमेंगे उसके बाद घर चलते हैं। तो दोस्तों पिछला गाँव में घूमा हूँ, पेट्रोल डालने के बाद एक गांव में घुमाऊँ तो 200 का सेलिंग हुआ है, 220 रुपये का सेल हुआ है, तो 20 रुपये उधार लगा दिया, 200 रुपये दिया है। तो चलिए चलते हैं फिलहाल दोस्तों घर पे। अभी टाइम 5:45 हो गया है और पेड़ अभी डूब रहा है, तो चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं घर पे। टोटल सेल दोस्तों आज हो गया 1200, बहुत कम हुआ है, क्योंकि बिक्री जो है ना बहुत कम चलता है इस समय। तो चलते हैं फिलहाल घर पर, मिलते हैं। फाइनली दोस्तों अभी आ गया घर और यही टोटल सेल है, देख सकते हैं बहुत कम है, 1200 के आसपास, और दोस्तों 200 रुपये आज खर्चा हो गया, 180 का पेट्रोल डाल दिए और कितना 20 रुपया नाश्ता, 200 रुपया ख़त्म हो गया पूरा, और 1200 का सेल क्या होगा इससे। ऐसा सेल आइटम जो है ना ख़त्म है, लेकिन पैसा भी कम है इसके वजह से नहीं ला पा रहे हैं। तो नहीं तो अगर पूरा आइटम रहता ना, पूरा मेल रहता, मेरे हिसाब से अगर पूरा मेल रहता तो लगभग 2000 के आसपास तक सेल हो जाता, क्योंकि और प्लाजो जो है ना सूती उत्ती वाला नहीं था, और छोटा बच्ची का भी प्लाजो है तो कलर अच्छा सा नहीं है, थोड़ा टहाकार कलर रहता है तो अच्छा रहता है, लेकिन अच्छा कलर नहीं है, इसकी वजह से भी सेल थोड़ा कम हुआ है, और इस समय ऐसे भी थोड़ा बिक्री कम चलता है। तो चलिए आज का इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं दोस्तों कल सुबह एक और नई वीडियो में। इतना ही, बाय बाय, गुड इवनिंग, बेस्ट ऑफ लक।